आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। बात करते हैं मध्य प्रदेश की मौसम की जानकारी के बारे में। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अब तक ग्वालियर, चंबल, भोपाल और सागर में बने राहत के बादल अब उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम रविवार से शिफ्ट हो जाएंगे। भोपाल में रविवार को भी हल्की राहत रहेगी, लेकिन ग्वालियर, चंबल, सागर और बुंदेलखंड में पारा चढ़ने लगेगा। रविवार को कुछ इलाकों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि 12 से 14 मई तक बादलों के कारण तापमान फिर नीचे आएगा और इसके बाद 15 मई से 26 मई तक एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू होगा। पाकिस्तान से आ रही हवाएं शनिवार रात से कमजोर हो गई है। पाकिस्तान से आ रही हवाएं जम्मू कश्मीर के ऊपर ट्रक के रूप में उतर रही है। वहीं चक्रवातीय गतिविधियां पूर्वोत्तर बांग्लादेश और विदर्भ के ऊपर सक्रिय है। विदर्भ और मराठवाड़ा से लेकर कर्नाटक तक हवाओं में निरंतरता है। वहीं बात करें हम तो पाकिस्तान से 11 मई से हवाएं फिर से आ जाएंगी और इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी मिलने से 12 मई से 14 मई तक प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाने की संभावना है और इससे 3 दिन तक तापमान में नीचे आने से गर्मी से राहत रहेगी और इसके बाद 15 मई से फिर से तापमान बढ़ेगा। प्रदेश में रविवार से ग्वालियर, चंबल, सागर समेत बुंदेलखंड में तापमान में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश भर में 10 से 11 को दिन का तापमान जो है 12 जो है वो 45 डिग्री के रेंज में आ जाएंगे और इससे 10 से 11 मई तक कई इलाकों में फिर से लू का प्रकोप रहेगा। वहीं 3 दिन बाद मौसम करवट लेगा और बादल छाने से कुछ राहत मिलेगी, हालांकि इस दौरान बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है। ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।